बधाई हो बधाई हो। सौरा भास्कर ने इस्लाम कबूल कर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता से शादी कर लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि मोहब्बत जिंदाबाद रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। सौरा भास्कर ने इस्लाम कबूल कर शादी कर लिया है। वो समाजवादी पार्टी के नेता अहमद जरार से शादी किया है। उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जिस तरह से हम लोगों की एक दोस्ती जो है पहले थी, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में आ गया और उसके बाद बात शादी तक पहुँच गई और उसके बाद उन्होंने शादी कर लिया। जी हाँ, जिस तरीके से उनकी जो जो जीवनी रही है और उसके बाद जिस तरह से उनकी जो शादी का एक कहीं ना कहीं जो एक सिलसिला बना, वो कहीं ना कहीं 2019 के NRCCA का एक प्रोटेस्ट रहा जो काफ़ी चर्चा में रहा था। उस वक्त उनकी दोनों की दोस्ती रही बनी और उसके बाद जो है ये रिलेशनशिप बढ़ा और उसके बाद दोनों का मिलना जुलना जो है वो काफ़ी बढ़ गया था और उसके बाद बात शादी तक पहुँची और अब वो शादी करके दोनों खुश है। कल रात में एक तस्वीर वायरल हो रही थी और सौरा भास्कर ने एक वीडियो भी शेयर करते हुए अपने वॉल से लिखा था कि वो जो पूरे जीवनी थी और किस तरह से जो है उसका कारवा आगे बढ़ता गया था, वो वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा था कि किस तरह से जो है उनकी जो मतलब शादी हुई है वो कहीं ना कहीं अहमद जरार से हुआ है। और उन्होंने कहा कि अहमद जरार मेरे दिल में कहीं ना कहीं उथल पुथल है, लेकिन ये दिल तुम्हारे लिए है, ये दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगा। हालांकि इससे पहले जब अहमद जरार की जो है बहन की शादी थी तो सौरा भास्कर को उन्होंने इनवाइट किया था और उन्होंने लिखा था कि मेरी बहन के शादी में तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर उनके जो है पोस्ट का जो है जवाब देते हुए सौरा भास्कर ने लिखा था कि जो अभी मैं शूटिंग से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अहमद जरार, लेकिन मैं आपके शादी में ज़रूर आऊँगी। तो मतलब इशारा क्या था और या फिर उन्होंने क्या सोच कर लिखा था कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब वो पोस्ट को आज हम तहकीकात करें और बारीकी तरीके से देखें तो वो उनका इशारा शादी की ओर था और जब उनके शादी में वो शिरकत की तो वो भी दुल्हन बनकर। जी हाँ, जिस तरीके से इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहा है, कई लोग जो है उनकी खिंचाई भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ जो लोग हैं वो खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं कि सौरा भास्कर ने इस्लाम कबूल कर वो शादी कर लिया है और समाजवादी पार्टी के वो नेता है उनसे शादी किया है। और जिस तरह से जो है चीज़ें हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने पोस्ट में भाई लिखा, अब वो जान बन गई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। लोग ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर इन दोनों में इतने दिनों से क्या चल रहा था, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन सौरा भास्कर ने अचानक आकर शादी कर लेना अहमद जरार से, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव के नेता जो अहमद जरार है, समाजवादी पार्टी के हैं, वो जो है किस तरह से जो है कई सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही है और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि उनकी जो शादी अब कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि इससे पहले भी राखी सावंत जिस तरह से इस्लाम कबूल करके वो आदिल दुराना से शादी की थी वो चला नहीं और उसके बाद कोर्ट मैरिज उन्होंने भी किया था और सौरा भास्कर और अहमद जरार ने भी कोर्ट मैरिज किया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये शादी कितने दिन तक चलने वाली है, लेकिन कई जो राजनीतिक दल है इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी पर हर किसी की नज़र और निगाहें टिकी हुई है कि क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन जो बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि आखिर सौरा भास्कर का अचानक मुस्लिम से शादी करना ये क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी है, कई आंदोलन में वो शामिल हो चुकी है, NRCCA के प्रोटेस्ट में उन्होंने जमकर जो है NRCCA का विरोध किया था और इसके बाद जो है जिस तरीके से कई सारे जो प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो जल जंगल जमीन का मामला हो, बहुजनों से अत्याचार का मामला हो, हर मुद्दे पर वो बारीकी तरीके से अपनी जो है मतलब विचार रखती हुई नजर आती है। लेकिन सौरा भास्कर का ये अदाएं और ये फैसला, कोई नहीं जानता था कि अहमद जरार से वो शादी कर बैठेंगे और उन्हें दिल दे बैठेंगे। अब लोग यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोहब्बत जिंदाबाद रहना चाहिए और मोहब्बत कोई मज़हब, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई गोरे ना कोई काले देखता है।
क्योंकि प्यार हमेशा अंधा होता है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं, और कमेंट कर सौरा भास्कर और अहमद जरार को आप बधाई भी दे सकते हैं। द इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से सौरा भास्कर को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहब्बत जिंदाबाद। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।